हेलो डिस्टर्बेंस, कैसे हो आप सब? पता चला कौन था रसोड़े में? छोड़ो यार उसको, बात करते हैं इस हेडफोन, नेक बैंड और ईयरफोन के बारे में। बट इस वीडियो में बात करना चाहूँगा बोट के इस हेडफोन के बारे में जो कि मैं 5-15 डे से यूज़ कर रहा था। तो क्या बोलते हो, शुरू करें अपनी थकास और तोड़ो वीडियो को इसके अनबॉक्सिंग के साथ। तो दोस्तों, ये है बोट के हेडफोन का बॉक्स। अगर बात करें बॉक्स की, तो आपको इस साइड में आपको यहाँ पर लिखा मिल जाता है 40 mm ड्राइवर्स, इसके अलावा एडाप्टिव ईयर कप्स एंड हेड बैंड, इसके अलावा आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है 4.2, इसके अलावा आपको 8 आवर्स का म्यूजिकल ब्रिज मिल जाता है। मतलब आप 8 आवर्स तक कंटिन्यूस म्यूजिक सुन पाएंगे। इसके अलावा आपको सीमलेस इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ये वॉइस असिस्टेंट साथ भी आता है, मतलब कि गूगल और सिरी। सो बाकी पीछे की साइड ये सिंपल सा मिल जाता है हेडफोन देखने को, और ये बोट रॉकर्स 450 हैं। तो चलो करते हैं बॉक्स को ओपन। बाकी अगर बात करें बॉक्स कंटेंट की, तो आपको ऑक्स केबल मिल जाती है, इसके अलावा आपको यूएसबी केबल मिल जाती है जो कि मैं रखना भूल गया हूँ, इसके अलावा आपको ये बुक मिल जाती है, इसको कोई पढ़ता नहीं, देख तो इसको। इसके अलावा आपको ये वारंटी कार्ड मिल जाता है। सो इसको रखते हैं साइड में। चलिए बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और लुक्स एंड डिजाइन के बारे में। तो अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो इसका जो मटेरियल है वो हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी फिनिश की, तो इसमें मैट फिनिश का यूज़ किया गया है। इसके अलावा जो कि साइड फिनिश है वो ग्लॉसी फिनिश है, जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देती है। इसके अलावा अगर बात करें कुशन की, तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल आप ईयर्स में रहेंगे, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, अगर आप 3 आवर्स तक यूज़ करोगे तो हाँ, आपके ईयर्स में कोई भी पेन देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपके ईयर्स में पेन देखने को मिला है, जो कि मेरे को मिला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं अगर बात करें हेड एडजस्ट की, तो यहाँ पर आपको हेड एडजस्ट का फीचर मिल जाता है। अगर आपका हेड बड़ा है तो आसानी से उसको फिट कर पाओगे। इसके अलावा अगर बात करें इसके लुक्स एंड डिज़ाइन की, तो हाँ, इसका लुक वाइज ये काफ़ी अच्छा है। बट हाँ, इसके पहले जो बोट के रॉकर्स 400 आते थे, मैंने उसको भी यूज़ किया है, वहाँ पर इस टाइप का लुक देखने को नहीं मिलता था। इस बार ये लुक दिया गया है जो कि यार काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, तो नो डाउट मैं बोल सकता हूँ लुक वाइज ये काफ़ी अच्छे हैं और बिल्ड क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी अच्छे हेडफोन हैं। अगर बात करें इसके बैटरी लाइफ के बारे में, तो आपको 6 से 7 आवर्स तक का कंटिन्यूस बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके बॉक्स में बताया गया था 8 आवर्स का, बट हाँ, मेरे अकॉर्डिंग अगर 7 आवर्स तक चल रही है तो हाँ, ठीक ठाक बैटरी लाइफ इसकी है। वहीं अगर बात करें इसके चार्जिंग टेक्नोलॉजी की, तो आपको 42 मिनट लगेंगे इसको फुल चार्ज करने में। इसके अलावा अगर बात करूँ इसके स्टैंड बाई की, तो हाँ, 4 से 5 डेज का आपको स्टैंड बाई देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। अगर बात करें इसके कनेक्टिविटी के बारे में, तो नो डाउट ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। यहाँ पर ब्लूटूथ की 4.2 टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जो कि यार एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा अगर बात करें मेरे एक्सपीरियंस की, तो हाँ, ये काफ़ी जल्दी कनेक्ट हो जाता है, और यार म्यूजिक के बीच में कभी भी ये डिसकनेक्ट नहीं होता है, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगी। तो हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि कनेक्टिविटी वाइज काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो इसकी रेंज है वो 10 मीटर है। चलिए बात करते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। तो हाँ, ये काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी साथ में आता है। अगर मैं बात करूँ इसके बेस के बारे में, तो आपको थम्पी बेस देखने को मिलते हैं, जो कि आपके एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे। अगर आप लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, तो हाँ, ईयरफोन काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। वहीं अगर बात करें म्यूजिक के बीच के मिड्स एंड लो की, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, आपको वर्ड्स क्लियरली सुनाई देते हैं, मतलब आप लिरिक्स को आसानी से इन्जॉय में ले पाओगे। तो हाँ, मैं बोल सकता हूँ ये साउंड वाइज काफ़ी अच्छा हेडफोन है। अगर बात करें इसके डाउन साइड के बारे में, तो इसका माइक इसकी डाउन साइड है, जो कि उतना अच्छे से काम नहीं करता है। तो हाँ, अगर आप रस वाली प्लेस में होंगे, तो वहाँ पर ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है, और आपको जो आपकी वॉइस है वो सही से डिलीवर नहीं कर पाता है। तो मैं बोल सकता हूँ इसका माइक उतना अच्छा नहीं है। बाकी काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी अच्छा है साउंड क्वालिटी के हिसाब से, लुक्स एंड डिज़ाइन के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा हेडफोन है। वहीं अगर बात करें मेरे गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा गेमिंग की है, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी किया है। बट हाँ, बोल सकता हूँ गेमिंग वाइज काफ़ी अच्छी आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बट हाँ, इसमें प्रॉब्लम ज़रूर है, अगर आप 3 आवर्स से ज़्यादा गेमिंग करोगे तो आपके ईयर्स में थोड़ा सा पेन देखने को मिलेगा, जो कि मेरे को मिला था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, यहाँ पर इसका थोड़ा सा डाउन साइड है, क्योंकि इसका ये जो है ये थोड़ा सा यार ईयर्स में काफ़ी अच्छे से फिट नहीं हो पाता है, इसलिए यार ये प्रॉब्लम करता है। तो हाँ, इसका डाउन साइड है। वहीं अगर बात करें ओवरऑल हेडफोन के बारे में, तो ये काफ़ी अच्छा हेडफोन है इस प्राइस सेगमेंट में।
तो इसको मैंने अमेजोन से परचेस किया था, जिसकी कॉस्ट है 1500 रुपये। आप भी कर सकते हो, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब। इफ यूर हर्ट सेस ना भी करे तो भी कर देना, आपके भाई का थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा और आपका भाई थोड़ा सा फन भी कर लेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।